के मध्य में विराजमान है। कहीं ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र से बहकर आ रहा था कि ठहरो ठहरो थिरो बैना आठ। महादेव गिरी बाबा जी यहाँ पहुंचे कि एक शेर ने बहुत तेज गर्जना करी, इसे ये सारी प्राचीन मूर्तियां बह गई थी। तो उन मूर्तियों को उस जगह से निकाल के लाए और उन्होंने आज अब इस वीडियो में बात होंगी गर्जिया देवी माता मंदिर की, उसके इतिहास की, कि कैसे ये मंदिर बना, क्या मंदिर की कहानी रही, क्या इसके किस्से कहानियां हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, बातें करेंगे गर्जिया देवी मंदिर की आध्यात्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास की। तो चलिए सफर में बढ़ते हैं। गर्जिया देवी मंदिर उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर सुंदरखाल गांव में आता है। रामनगर से इस मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के शीर्ष पर बना हुआ है जो कोसी नदी के मध्य में विराजमान है। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना व स्नान करने के लिए आया करते हैं। देवी गिरजा जो कि गिरिराज हिमालय की पुत्री है और संसार के पालनहार भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, कोसी या कौशिकी नदी के मध्य एक टीले पर यह मंदिर स्थित है। 1940 तक तो यह मंदिर जरा कम लोगों को पता था, पर वर्तमान में इस मंदिर की कृपा से अनुकंपित भक्तों की संख्या लाखों में पहुंची है। इस मंदिर का व्यवस्थित तरीके से निर्माण 1970 में किया गया, जिसमें मंदिर के वर्तमान पुजारी पंडित पूर्णचंद पांडे का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। इस मंदिर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक इन दोनों पृष्ठभूमि को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो पुरातत्ववेत्ताओं का इस बारे में कहना है कि कुर्मांचल की सबसे प्राचीन जो बस्ती है वो ढिकुली के पास थी। यहाँ पर वर्तमान में अब रामनगर बसा हुआ है। कोसी के किनारे बसी इसी नगरी का नाम तब वैराट पत्तन या विराट नगर था। कत्यूरी राजाओं के आने के पहले यहाँ कुरु राजवंश के राजा राज्य करते थे, जो कि प्राचीन इंद्रप्रस्थ आधुनिक अब जो दिल्ली कहलाती है, तो प्राचीन इंद्रप्रस्थ के साम्राज्य की ये छत्रछाया में रहा करते थे। ढिकुली गर्जिया क्षेत्र का लगभग 3000 वर्षों का अपना इतिहास है। प्रख्यात कस्तूरी राजवंश, चंद्र राजवंश, गोरखा वंश और अंग्रेजी शासकों ने यहाँ की पवित्र भूमि का सुख भोगा है। गर्जिया शक्ति स्थल 1940 से पहले लगभग कहना चाहिए कि अज्ञात उपेक्षित अवस्था कहना चाहिए उसमें था, किंतु 1940 से पहले की भी अगर हम बात करें तो उससे पहले बहुत सारी दंत श्रुतियाँ इस स्थान का इतिहास बताती हैं। वर्ष 1940 से पूर्व इस मंदिर की स्थिति ऐसी आज की जैसी नहीं थी। कालांतर में इस देवी को उपटा देवी, उपरद्यो यानी कि उपटा देवी इसके नाम से उस समय जाना जाता था। तत्कालीन जनमानस की उस समय सोच यह थी कि वर्तमान गर्जिया मंदिर जिस टीले में स्थित है वह कोसी नदी की बाढ़ में कहीं ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र से बहकर आ रहा था। मंदिर को टीले के साथ बहता हुआ आता देख करके यहाँ पर जो भैरव मंदिर है तो वहाँ के भैरव देव द्वारा उसे रोकने के प्रयास से कहा गया कि ठहरो ठहरो थिरो बैना थिरो थिरो बैना थिरो, इसका अर्थ पहाड़ी भाषा का होता है कि ठहरो बहन ठहरो, यहाँ पर तुम मेरे साथ निवास करो। तो वो ये सुनकर वो टीला वहीं पर रुक गया। तभी से गर्जिया में देवी उपटा निवास कर रही है उस वहीं पर। अगर बात करें इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि की तो लोगों के अनुसार 1940 से पहले यह जो क्षेत्र है ये भयानक जंगलों से भरा पड़ा था। तो सर्वप्रथम जंगलात, ये फॉरेस्ट विभाग जो होता है, जंगलात विभाग के तत्कालीन जो कर्मचारी थे और जो स्थानीय छोटपुट निवासी थे उनके द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा गया और उन्हें माता जगजननी की इस स्थान पर उपस्थिति का उनको तब एहसास हुआ।
एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र, टीले के नीचे बहती कोसी की प्रवल धारा, घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, जंगली जानवरों के भयानक गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर माँ के दर्शनों के लिए फिर जाने लग गए। सन 1950 में श्री 108 महादेव गिरी बाबा जी यहाँ पहुँचे तो उनके शिष्य ने यहाँ एक झोपड़ी बनाई। इसमें इन्होंने देवी की, माँ की उपासना की। महादेव गिरी बाबा एक सिद्ध बाबा थे, उनके पास कई सिद्धियाँ थी, उन्होंने कई सिद्धियाँ सिद्ध की थी। इन्होंने फिर राजस्थान से गणेश, भैरव और तीन महादेवियों की मूर्तियाँ वो वहाँ से लेके आए और यहाँ पर स्थापित की। अब जब वो इन मूर्तियों को स्थापित कर रहे थे तो उसी समय, लोग बताते हैं कि उसी समय जब वो उनको स्थापित करने लगे तो उसी समय क्या हुआ कि एक शेर ने बहुत तेज गर्जना करी। इसे वो संकेत मानकर और साथ में इसको, इस शेर की गर्जना को महाराज ने इसे एक देवी का आदेश माना और देवी का आदेश मानते हुए उन्होंने फिर इस देवी का नाम गर्जिया देवी रख दिया। सन 1960 में फिर कोसी में एक बहुत विकराल रूप से बाढ़ आई थी, बहुत पानी आ गया था जिसमें ये सारी प्राचीन मूर्तियां बह गई थी। तो उसके बाद सन 1967 की बात है कि पूर्णचंद जी एक पंडित थे, तो पूर्णचंद जी को माता ने सपने में दर्शन दिए और सपने में उनको बताया कि मूर्तियां कहाँ पर हैं। तो पूर्णचंद जी ने सपने में देखे इस महादेवी के आदेश को माना और वो उन मूर्तियों को उस जगह से निकाल के लाए और उन्होंने इसे पुनः स्थापित किया। और फिर सन 1970 के आसपास में ये मंदिर ने ये आधुनिक रूप ले लिया। फिर अगर हम बात करते हैं गिरजा माता महात्म्य के अनुसार तो भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है माँ पार्वती, उनका एक नाम गिरजा भी है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें इस नाम से बुलाया जाता है। इस मंदिर में माँ गिरजा देवी के सतोगणी रूप में विद्यमान है जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पर जटा, नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप ये चढ़ाकर वंदना की जाती है। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु घंटी या छत्र चढ़ाते हैं। जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, वो नवविवाहित स्त्रियाँ जो हैं वो यहाँ पर आकर अटल सुहाग की कामना भी करते हैं। जो निसंतान दंपति हैं वो संतान प्राप्ति के लिए माता के चरणों में यहाँ पर झोली फैला। वर्तमान में इस मंदिर में गर्जिया माता की 4.5 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसके साथ सरस्वती, गणेश और बटुक भैरव के संगमरमर की मूर्तियाँ मुख्य मूर्ति के साथ स्थापित हैं। इसी परिसर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति यहाँ पर भी खुदाई के दौरान मिली थी। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के पावन पर्व पर माता गिरजा देवी के दर्शन और पतित पावनी कौशिकी की नदी में स्नान के लिए भक्तों की बहुत भारी संख्या में भीड़ लगती है। इसके अलावा की बात करें तो गंगा दशहरा है, नवदुर्गा है, शिवरात्रि, उत्तरायणी, बसंत पंचमी, इसमें भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। अब पूजा की विधान की बात करते हैं तो पूजा के विधान के अंतर्गत माता गिरजा की पूजा करने के बाद बाबा भैरव जो माता के मूल में स्थित हैं उनको चावल और उड़द की दाल चढ़ाकर पूजा अर्चना करना आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि भैरव की पूजा के बाद ही माँ गिरजा देवी की पूजा का फल प्राप्त। और बात करें शक्ति पीठों की बात आती है तो ये जो शक्ति पीठ हैं भारत में, इसमें जो बात होती है तो आदि शक्ति की 51 शक्ति पीठ हैं। उन 51 शक्ति पीठों में से बांग्लादेश में 7 हैं, नेपाल में 4 हैं, पाकिस्तान में 3 और तिब्बत, श्रीलंका, भूटान इनमें एक एक शक्ति पीठ है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो बाकी हैं वो शक्तिपीठ भारत में हैं। आज के आप वीडियो में आपने देखा गर्जिया देवी मंदिर के इतिहास की, उस मंदिर के स्थापना की, उससे जुड़े कुछ तथ्य। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। पूर्णागिरी के रास्ते में बातें होंगी उसके पहले पड़ाव की, कल को बात करेंगे चोर गलिया की। आप यहीं के पुजारी? हाँ जी, हाँ जी। ये मंदिर जो था 60 किलोमीटर दूर से बह के आएगा, हाँ बह के आया, ये नदी में ही बह के आया। हाँ नहीं, किला बन गया था, किला में है पूरा किला बह के आया।
कि ये पूरा टीला जो है ये, हाँ, ये बह के आया इसी नदी में, कोसी नदी में बहते हुए। कहाँ से आया करके कुछ पता है? ये आया था जिला नैनीताल से। जिला नैनीताल, नैनीताल से, नैनीताल में ये मंदिर वहाँ जहाँ होगा वहीं से। हाँ, अच्छा। तो इस भैरव मंदिर में है, इस माँ को रोका कि तू यहीं पर विराजमान रहो। अच्छा, तो ये तो आज इसमें बहुत साल हो गए सर, बहुत साल हो गए। अच्छा, तो तब से ये चल ही रहा है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए सर जी? मैं अल्मोड़ा से आया। अच्छा, अल्मोड़ा से। अच्छा अच्छा, जिला अल्मोड़ा हुआ आपका? हाँ। मेरा भी अल्मोड़ा ही हुआ। अच्छा, अल्मोड़ा कौन सी जगह है? ये प्राचीन मंदिर ये वाला ये हुआ सर। अच्छा, वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो जो है सर वो शिव गुफा है। अच्छा, वो इसी में गुफा भी बनी हुई वहीं से आई होगी? हाँ, शिव गुफा नीचे है।